सो हे गाइस, हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 10th और 12th का जो भी एग्जामिनेशन आप लोग का पेंडिंग था वो सब होने वाला है, और उसका जो डेट है वो दे दिया गया है। 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक होगा ऑल ओवर इंडिया। और जो भी बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे थे और मूवी देख रहे थे या कुछ कोडिंग कर रहे थे, कुछ भी सीख रहे थे, उन लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। लेकिन एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी मेरिट के बेसिस पे या कुछ भी बेसिस पर अगर एग्ज़ाम मार्क्स दे दिया जाता है आपको, अगर इन द फ्यूचर कुछ भी देख समझ लीजिए 2023 को 24 को अगर कुछ भी हुआ तो उन लोगों से आप लोगों का कंपटीशन थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, आप लोग का दिखने में ख़राब लगेगा। ठीक है, सब कुछ सब हिसाब से। जैसे आप लोग का जी एडवांस का भी डेट निकल चुका है, जो जी एडवांस का 28 अगस्त का था शायद, और नीट का भी है 26 जुलाई को, और जी मेन का जो है आप लोग का 18 से 23 जुलाई है शायद, 18 से 23 जुलाई तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे रमेश पोखरियाल सर हैं और उन्होंने मीटिंग किया हर स्टेट के जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं स्कूल है सॉरी दोस्तों, जो भी स्कूल्स है उससे मीटिंग बोर्ड मीटिंग किया, हर यूनिवर्सिटी से बोर्ड मीटिंग किया। बोर्ड मीटिंग होने के बाद ऐसा आज रिजल्ट आया है, जो भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कॉन्डक्ट होगा और होना ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है 10th और 12th का जो ओनली नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली में है उनका 1 से 15 तारीख के बीच में होगा, और ऑल ओवर इंडिया और 12th का जो है वो ऑन से 15 जुलाई तक होगा। ठीक है, तो 10th का हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए ओनली फॉर 1 से 15 जुलाई, और ऑल इंडिया जो 12th का जो भी अनाउंसमेंट बाकी था, जो भी एग्ज़ाम बाकी था आप लोग का, वो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और ये बताया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से, और यहाँ पर बताया गया है CBS एक्सेस द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्टीज एडियोज। तो दोस्तों जो भी है यहाँ पर जो समराइज किया जाए तो आप लोग का एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। ठीक है, और जाओ अब पढ़ो, और कोई दिक्कत नहीं, जिसका कुछ कम भी प्रिपरेशन हुआ था वो अच्छा मार्क्स कर सकते हैं इस लॉकडाउन के वजह से। ठीक है, और जो कुछ भी है आपको सब बताया गया वीडियो में, समराइज कर दिया गया, और कुछ भी पार्ट आपको समझने में दिक्कत हो तो बेझिझक उनको बताइएगा, और कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।